जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका इनोवेशन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं संदीप चौधरी और आज हम पढ़ेंगे लाभ प्रतिशत के कुछ ट्रिक। जैसा कि क्वेश्चन देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है और इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे फॉलो करेंगे। यहां पे क्वेश्चन देखो भी, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेच दिया। यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 600 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% लाभ हुआ होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य आपको बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है और ट्रिक के माध्यम से इसको चंद ही सेकंडों में कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं भी घोड़े का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है, यानी हमने मान लिया भी 100 रुपये में उसने वो घोड़ा खरीदा है। अब 15% लाभ पर बेचेगा तो 15% 100 का 15% 115, 100 का 15% 15 ही होता है तो इसमें ऐड कर दिया, यानी 15% लाभ कमाएगा तो वो 115 रुपये में बेचेगा। 100 रुपये में उसने खरीदा, 115 में उसने बेच दिया। अब आगे वो क्या बोल रहा है, यदि उसने इसे 25% कम मूल्य में खरीदा होता, अगर 100 की जगह उसने 25% कम में खरीदा होता, यानी 100 का 25% कितना होता है, 25 ही होता है। इस प्रकार से निकाल लेना, 100 × 25/100, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 25, 100 का 25% 25, 100 का 10% 10, ठीक है। अब 25% कम में खरीदा होता तो उसने कितने में खरीदा, 75 रुपये में खरीदा। अब यहाँ पे एक बार इसको छोड़ दो, आप आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भी, तो उससे क्या है 32% का क्या होगा, लाभ होगा। अब 75 पर 32% का लाभ होगा तो कैसे करोगे, इस प्रकार से कर लेना, 75 का 32% आप निकाल लेना, ठीक है। तो यहां से 25 × 75 और 25 × 100, 4 × 1 = 4 और 4 × 8 = 32, 8 × 3 = 24, यानी उसे क्या है 24 रुपये का लाभ हो जाएगा। अब 75 में 24 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 99। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया भी, जब उसने 100 रुपये में घोड़ा खरीदा था तो उसने क्या है 115 रुपये में बेचा, अगर वो 75 रुपये में घोड़ा खरीदता तो वो क्या है 99 रुपये में बेचता। अब यहाँ पे दोनों का अंतर कितने का है, दोनों का अंतर कितने का है, तो दोनों का जो अंतर है वो हमारे अनुसार कितना है, 16 का है। हमारे अनुसार कितना है, 16 का है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बता रखा है, 600 का। तो 16 बराबर क्या आ गया, 600 आ गया। 1 बराबर क्या आ जाएगा, 600/16। अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है क्रय मूल्य, जो कि क्रय मूल्य हमने माना क्या था, 100 माना था, तो इनटू आप कर दोगे 100 से। तो यहां से काट दो, 4 × 16 और 25 × 100। अब ये 4 कट जाएगा, 4 × 1 = 4 और 15 × 60, यानी 150 बार कट गया। तो ये हमारे पास आ गया 15 × 150 × 25, तो ये 0 और 25 पांजे होते हैं 125, यानी 12 और 25 × 25 और 12 हो जाएंगे 37, तो ये आ जाएगा 3750। 3750 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं, आपके डाउट है वो क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलो ये क्वेश्चन देखो भी, ये क्वेश्चन समझने के बाद में आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यापारी किसी उपभोक्ता वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 10% कम पर खरीदा होता तो 2 रुपये कम पर 10% कम पर खरीदा होता तो खरीदा होता तथा 2 रुपये कम पर बेचा होता तो उसे 16/2/3% का लाभ हुआ होता। तो उपभोक्ता वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। क्रय मूल्य हमने पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही मान लेना है 100 रुपये है। हमने मान लिया भी उस उपभोक्ता वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। अब वो अगर 10 रुपये लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा भाई, 110 में बेचेगा, ठीक है, 110 में उसने बेच दिया। यदि उसने 10% कम पर खरीदा होता, अगर 100 की जगह उसने 10% कम पर खरीदा होता, यानी 90 रुपये में उसने खरीदा होता, तो 2 रुपये, एक बार इसको छोड़ दो, आगे देखो 16/2/3, 16/2/3 को फ्रैक्शन में बनाओगे,
फ्रैक्शन में अगर आप बनाओगे तो ये हो जाएगा 16 3 48 और 2 50, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 50 अपॉन में 3 लिख सकता हूँ, तो लाभ हुआ होता। अब 90 रुपये में अगर बेचेगा तो उसे क्या है 50 बटे 3% का लाभ होगा। अब लाभ होगा तो वो कितने में बेचेगा फिर, अब 90 का आप ये निकालो 50 बटे 3% अपॉन में आ जाएगा 100 यहाँ पे। तो देखो 1 0 से 1 कैंसिल 1 से 1 कैंसिल, 3 एकम 3 और 3 3 9, 3 5 15, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब 90 में अगर आप 15 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा और 105 आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है 105 रुपये में बेचेगा। अब क्वेश्चन क्या बन गया, 100 रुपये में खरीदा तो उसने 110 में बेचा, 90 रुपये में खरीदा तो उसने क्या है 105 रुपये में बेचा। अब यहाँ पे अंतर कितने का है, यहाँ पे अपने अनुसार अंतर कितने का है, तो अपने अनुसार जो अंतर है वो 5 रुपये का है, अपने अनुसार तो अंतर है क्वेश्चन में 5 रुपये का, लेकिन पर्सन में उसने क्या दे रखा है 2 रुपये का अंतर दे रखा है। तो 5 बराबर अपन क्या कर देंगे 2, 5 बराबर हो गया 2, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 2 अपॉन में 5। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमने माना क्या था 100 माना था, तो इंटू अपन क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 20 5 हो जाएंगे 100, 20 बार कट गया, 20 ऊपर है और ऊपर 2 भी है, तो क्या हो जाएगा 20 2 40, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा इसमें 40 आ जाएगा, 40 यहाँ पे सी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ट्रिक बताइएगा कैसी लगी, अच्छी लगी है तो दिल से लाइक करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुँचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।